Hello students, yes sir. So it is my first video. आप सबके लिए पहला वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ. आज बेटा हम इस चैनल के ऊपर क्लास 10th के लिए साइंस से रिलेटेड बहुत कुछ अच्छा अच्छा मटेरियल लेके आएंगे जो आपको हेल्प करेगा आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए. मैं सही टॉपिक्स के ऊपर मैं रेगुलरली वीडियोस बनाता रहूँगा, आप सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूँगा. हो सब कुछ ठीक है? सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी. होता क्या है इलेक्ट्रिसिटी, किसी को पता? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी बेटा इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. क्या है ये? A form of energy. कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं उसको. कौन सी एनर्जी बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जैसे मैकेनिकल एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं, वैसे ही क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कैसे बिहेव करता है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. फिर हम सीखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. फिर हम ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट दिस चैप्टर. सो सबसे पहली बात जो आपको मैंने बताई कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसके अंदर बेटा सबसे तो पहला टॉपिक आता है आपका, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? होता क्या है? सोचने वाली बात कि सर होता क्या है. तो मान लो बेटा मैं आपका कोई भी सर्किट बनाता हूँ. मैंने कोई भी एक सर्किट बनाया, उसके अंदर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी लाइफ लगाया, ठीक है. जो बड़ा वाला जो साइन होता है वो आपको रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव टर्मिनल को. किसको रिप्रेजेंट करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल को. जो छोटा वाला है वो बोलेगा आपको नेगेटिव टर्मिनल. इसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव टर्मिनल. याद रहेगी बात. तो बेटा अब हमको जानना है ये एक सर्किट है, हम यहाँ पे एक चीज बना देते हैं, दैट इज की. इसको हम क्या बोलेंगे? की बोलते हैं. स्विच बोल दो की. अगर यहाँ पे ये डॉट लगा होगा इसका मतलब है कि जो स्विच है वो चालू है. स्विच क्या है? ऑन है. अब करंट पास होगा. करंट की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. ये बात याद रहेगी. अब वायर के अंदर ऐसा क्या है? वायर के अंदर ऐसा क्या है? तो बेटा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या किस चीज पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर. किस के ऊपर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर. हमने दो चीजें हमने पढ़ी है, फर्स्ट कंडक्टर्स एंड सेकेंड इंसुलेटर्स. आई होप सबको पता होगा कंडक्टर क्या होता है. बेटा ऐसे टाइप के मटेरियल्स जो कि अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए, ऐसे टाइप के मटेरियल्स जो अलाउ करते हैं अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम. वही इंसुलेटर क्या हो जाएंगे बेटा? डज नॉट अलाउ. अब कोई तुमसे इनका कारण पूछे कि भाई क्यों नहीं करता है, तो कारण क्या है? दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. क्या होते हैं उनके पास में? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. और ये क्यों नहीं पास करते? क्योंकि इनके पास क्या नहीं होगा? दे डू नॉट हैव फ्री. बात याद रहेगी बेटा. तो इलेक्ट्रिसिटी किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर. कि जिसके पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा. बात समझ में आ गई? तो इलेक्ट्रिसिटी जो सर्किट है उसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल.
अच्छा सर, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करना चाहिए फिर तो? यस सर नो? नो, जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो होगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, डायरेक्शन ऑफ क्या बेटा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है? अपोजिट टू करंट, अपोजिट टू करंट। अगर करंट ऐसे मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे? जस्ट पुट, किसी बात याद रहेगी सबको पक्का? अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब यहां से क्या जा रहा है? चार्ज जा रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज है। दो टाइप के चार्ज होते हैं, हम सबने पढ़ा है। दो टाइप के चार्ज होते हैं, कौन कौन से होते हैं चार्ज जरा बताओ? एक तो होता है प्रोटॉन्स, एक होता है इलेक्ट्रॉन्स, याद रहेगी ये बात पक्का? अब हम, अब इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज है। अब वो चलेगा 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 चलता 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 कहाँ पहुंचेगा? पॉजिटिव में, यही बताया मैंने अभी, यही बताया मैं। तो क्या मूव कर रहा है बेटा? चार्ज मूव कर रहा है। क्या मूव कर रहा है? चार्ज मूव कर रहा है ना। अब चार्ज ये तो है नहीं कि भाई चार पांच घंटे में, कुछ तो टाइम लेगा चार्ज आने में, तो इतना टाइम लेगा इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटलाइज डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटलाइज डिनोट करते हैं। क्या ये बात याद रहेगी सबको यहां तक? कोई अगर लिखना चाहे तो लिख सकता है। सुना, हम थोड़ी सी बात बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये चार्ज है, ये क्या है, इसकी यूनिट क्या होती है? तो बेटा हम चार्ज को देखते हैं पहले, ठीक है? चार्ज क्या है? चार्ज की जो यूनिट होगी, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम। यूनिट ऑफ चार्जेस कूलॉम, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करेंगे बेटा? कैपिटल सी से। बात याद रहेगी ओके? चार्ज जो मैंने आपको यहां पढ़ाया था उससे मिल गया ओके? तो नाउ आई, हमने एक फॉर्मूला लिखा, जो करंट है आई है वो इक्वल टू है क्यू अपॉन टाइम पे। अभी देखो आपको एक फॉर्मूला याद हो गया, इस फॉर्मूले से हम डेफिनेशन बना देंगे। इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे? डेफिनेशन बना देंगे। सीखते हैं इसे। देखो, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज वायर, या फिर कंडक्टर भी लिख सकते हैं। ये तो है नहीं कि इंसुलेटर से ही जाएगा ना, थ्रू अ वायर और कंडक्टर इन टाइम, कुछ तो टाइम लेगा ना, इसी को हम क्या बोल देंगे? ये होगी बेटा आपकी डेफिनेशन। ये जो एक चार्ज है यहां से, ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे जाने के लिए कितना टाइम ले रहा है, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। याद रहेगी बात? अब इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होगी, यूनिट क्या होगी इसकी? एम्पीयर। यूनिट क्या होगी? एम्पीयर। साथ बोलो एक बार फिर से, यूनिट क्या होगी? एम्पीयर। यहां तक पूरा समझ में आया सबको? अब क्वेश्चन किसी पूछेगा आपसे? सीधा ही पूछेगा, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन पूछेगा
डिफाइन 1 एम्पीयर। आपसे क्या बोलेगा डिफाइन 1 एम्पीयर, जरा दिमाग लगाओ आप क्या कर सकते हो। तो जरा यहाँ पे देखो फॉर्मूले पे देखो, ठीक है, ये बोल रहा है कि 1 एम्पीयर होना चाहिए, मतलब ऊपर नीचे से मतलब कट करके क्या आना चाहिए 1। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर 1 कूलोम्ब चार्ज मेरा 1 सेकंड में पास हो रहा है, 1 कूलोम्ब चार्ज मेरा 1 सेकंड में पास हो रहा है, तो 1 एम्पीयर करंट क्या होगा प्रोड्यूस होगा। बात समझ में आई?